Hi guys, welcome back to my video and after such a long time I am back. This video is very special for me because इस वीडियो में मैं आपको विपश्यना मेडिटेशन सेंटर के बारे में बताऊंगा एंड दिस इज़ माय मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैव एवर सीन. और ये एक चैलेंजिंग वीडियोस भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए और एंड आई विश कि इस वीडियोस को देख करके काफ़ी लोग मोटिवेट भी हों और इस जगह पर जरूर जाएं. और ये था हमारा एरिया जहाँ पर हम लोग रहते थे और ये आपको मैं यहाँ की पूरी व्यू का दिखाऊँगा एक बार. और ये था सामने जो है गुरु जी का कच्छ था और वो वाइट वाला जो था वो धम्मा हॉल था जहाँ पर हम मेडिटेशन करते थे. और यहाँ का जो वातावरण था वो काफ़ी शांत था. आप बाकी आपको यहाँ पे मौन रहना है, आपको किसी से बात नहीं करना है. और ये तो अभी नई ब्लॉक बने हुए हैं जहाँ पर कुछ जो पुराने लोग आते हैं उनको वेस्टर्न टॉयलेट सही होता है तो उनको उसमें दिया जाता है. और ये है धम्मा हॉल जहाँ पर हम सब मिल करके बैठ करके प्रैक्टिस करते थे. 9-9 घंटे तक अपन मेडिटेशन करते थे और ये जगह था जहाँ पे हम बैठते थे और सामने गुरु जी बैठते थे. और ये सभी वहाँ के सेवक हैं जो उनकी वजह से तो हम लोगों ने अपना ये जो चैलेंज था कंप्लीट कर पाया क्योंकि हमें 4 बजे सुबह उठाते थे और फिर ये हम सबको सिखाते थे. और अभी हम लोग निकल रहे थे कैंटीन की तरफ और यही एक रास्ता था. ये जो जगह है यहाँ पे मैं कम से कम दिन भर में 500 बार दौड़ जाता था. और ये था वॉशरूम टॉयलेट जहाँ पे हम लोग अपना फ्रेशअप वेशअप होते थे. और फिर अभी हम लोग कैंटीन की तरफ जा रहे थे और यहाँ की जो हरियाली आपको इतनी अच्छी लगी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको. और ये मिनी धम्मा हॉल था जब वो धम्मा हॉल बड़ा वाला जब नहीं बना हुआ था तो पहले इसी में होता था. और ये सामने है कैंटीन और अगल बगल आप देख सकते हो किस तरीके से पेड़ पौधे कितनी हरियाली है. आपको यहाँ पे एकदम फ्रेश एयर मिलना है और सुबह उठ करके आप अच्छी अच्छी हवाएं और वातावरण का एक नेचर का जो ब्यूटी होता है उसका अच्छा सा आप लुत्फ़ उठा सकते हैं. और ये है कैंटीन जहाँ पे हम सबको खाना सर्व किया जाता था और हम सब अपने अपनी जगह पर हम लोगों को एक जगह अलाट कर दिया गया था वहाँ पर हम लोग बैठ करके खाते थे. वहाँ पे किसी से बात करना अलाउ नहीं होता है बट ये 10वां दिन था, हम सबको मोबाइल मिला हुआ था इसलिए हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे. बट वहाँ पे आपको अलाउ नहीं रहेगा, 9-10 दिन तक आर रिमोन रहेगा, आपको बातचीत नहीं कर सकते हैं. आपसे जरूर विश करूँगा आप वहाँ पे जाएं, देखें, वहाँ के वातावरण को एंजॉय करें, वहाँ की सुख शांति को एंजॉय करें और अपने जीवन में जितना भी प्रॉब्लम है वहीं पर छोड़ करके आप. और ये जगह था जहाँ पे हम लोग अपने बर्तन को साफ करते थे खाना खाने में. अब मैं आपको अपने रूम का टूर कराता हूँ. ये था मेरा रूम, थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने साफ़ नहीं किया था बट हाँ क्योंकि टाइम नहीं था, मुझे ब्लॉग शूट करना था, वीडियो इसलिए मैं जल्दी शूट कर लिया. और आपको मच्छरदानी कपड़े और वहाँ पे बिस्तर सारी चीज़ें मिलेंगी, सब साफ सुथरा रहेंगी और ऐसे जाली लगे हुए प्रोटेक्शन है कि मच्छर अंदर ना आए क्योंकि इतनी सारी हरियाली है, मच्छर तो जाए पाए मतलब रहेंगे ही रहेंगे इसलिए मच्छर का टेंशन नहीं था. बाकी सब यही है और आप देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं आप. गाइस तो ये था हमारा विपश्यना मेडिटेशन सेंटर इन कुशीनगर और बाकी सारा मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया जितना भी हो सका मेरे से. बट अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि क्या यहाँ पे फीस भी लगता होगा या फिर कुछ पैसे लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बाकी मैं ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे आप वहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं 10 दिनों के लिए. और भी बाकी इस वीडियो को काफ़ी प्यार दीजिए और कमेंट कर सकते हैं एंड आई होप बहुत सारे दोस्त जो मेरे बैच के थे और कुछ भैया लोग थे और कुछ अपने ही उम्र के दोस्त लोग थे वो सब अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसको करते रहिए और काफ़ी चेंजेस भी आपको देखने को मिल रहा है.